जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दखल कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है, पुलिस प्रशासन का। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा दें। जंतर मंतर पर देर रात पहलवानों पुलिस के बीच झड़प, मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई विनेश फोगाट। क्या इसी दिन के लिए मेडल जीता था? दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देश की वो बेटियां न्याय और इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं, जो दुनिया भर में अपनी मेहनत से मेडल लाकर देश का नाम रोशन करती हैं। जब वो मेडल जीतकर दुनिया के दिग्गजों के सामने देश का तिरंगा लहराती हैं, तो सभी का सिर स्वाभिमान से ऊंचा उठता है। देश की हर पार्टी के नेता बधाई देकर वाहवाही लूटते हैं और ट्वीट करते हैं कि देखो आज के समय में औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। जो बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही इस प्रदर्शन पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि WFI का जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो बीजेपी से सांसद है। अपने सांसद जी को बचाने के लिए बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब जुमला लगने लगा है। दरअसल अब जब कल रात यानी बुधवार को देश के सभी लोग सो रहे थे, तभी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। झड़प ऐसी कि सिर पर लाठी डंडे बरसाए गए, जिसमें कुछ पहलवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। इस दौरान मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया, इसलिए सिचुएशन को संभालने के लिए आपको अंदर नहीं जाना। कोई रिटर्न ऑर्डर है सर? पहलवानों को खतरा है इसमें सर? हाँ, तो आप आके बचाओगे? उनको बताने के लिए हम हैं। आपसे ही खतरा है? आपसे ही खतरा है भाई? आपको अगर उनसे हमसे खतरा है तो इसकी कोई वो नहीं कर सकते, ठीक है? आपसे ही खतरा है। अभी अंदर लॉ एंड ऑर्डर इश्यू चल रहा है, आप बहस मत करिए। अगर आप शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको डिटेन करेंगे। करिए, ठीक है? प्लीज आप। दरअसल पहलवान 12 दिन से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बार बार पहलवान पर यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिरकार पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई की स्थिति कैसे बनी। रात के 11 बज रहे थे जब ये बवाल शुरू हुआ और इस बवाल के पीछे मुख्य वजह थी फोल्डिंग बेड। बारिश के चलते गद्दे गीले हो गए थे, जिसके बाद धरना स्थल पर फोल्डिंग बेड लाए जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका तो ये पूरा बवाल शुरू हुआ। पहलवानों का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ गंदा बर्ताव किया, लेकिन पुलिस ने इसका खंडन किया। नहीं, महिला पुलिस कर्मी डेडिकेटेड डेली ऑन अ डेली बेसिस शाम को जंतर मंतर पे लग रही हैं, आज भी मौजूद थी। और बाकी जो भी इनके ग्रीवांसेज हैं, हमने इनको बोला है, जो भी इनके ग्रीवांसेज हैं उसका ये बिल्कुल हमें कंप्लेंट दें, हम उसमें बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से जांच करवाएं। उसके लिए भी हम अभी जो जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है उसका हम मेडिकल करवा रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए कि हम बिल्कुल ही जो भी इसमें होगा निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई एक्शन जो भी लीगल कार्रवाई बनती है बिल्कुल लेंगे। सर, सोमनाथ भारती को क्या डिटेन किया गया? वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। हाँ, सोमनाथ भारती को हाँ जी, दो लोगों के साथ डिटेन किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया गया। आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी। प्लीज, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप अंदर बैठिए। एक आदमी उधर व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन कॉर्पोरेट रूम? अरे ये क्या कॉर्पोरेट? हालांकि सुबह स्वाति मालीवाल को छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो सुबह पहलवानों से मिलने पहुंची तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हमें बताया गया लड़कियों के द्वारा कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के द्वारा उनकी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे उनके साथ बहुत बदसुलूकी हुई है, गालियाँ दी गई हैं, कुछ ऑफिसर्स थे जो उनके हिसाब से उन्होंने दारू पी रखी थी, धक्कम दुक्का हुआ है, उनके जो भाई हैं उनको बड़ी गंभीर चोटें आई, तो उसको देखने के लिए लड़कियों की मदद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ मैं, अकेले आई हूँ तो क्यों नहीं आऊंगी? मैं अभी भी आई हूँ और मैं जरा सिर्फ हक ही नहीं, मेरी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी को करने में दिल्ली पुलिस मुझे सहयोग क्यों नहीं करी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं अभी अकेली हूँ, मेरे साथ एक मेरी मेंबर की कमीशन की मेंबर है और एक काउंसलर है, हम तीन लोग अंदर जाएंगी और मैं लड़कियों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अब उन लड़कियों की सेफ्टी का बहुत सीरियस कंसर्न है। वहीं इस मसले पर पहलवानों के भी बयान सामने आए हैं।
जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दखल कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है, पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी ट्रैक्टर लेके सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तय है सारे सारे यहीं पाने बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ उनके साथ कर नहीं रहे। वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो तो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे वो हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दुर्दशा कर रखी है हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। वहीं इस मसले पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किससे हम न्याय की उम्मीद रखें। फर्स्ट रूप से सबको कहा, मैं केवल एक आदमी जाना चाहता था, अपनी बेटियों का हालचाल पूछ के उनको हौसला देकर और सबसे शांति प्रिय रूप से रहने की अपील करके मैं आना चाहता था। मैंने केवल 5 मिनट का समय मांगा है कि मैं एक अकेला, इन्होंने कहा धारा 144 है, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, मैं संवैधानिक पद पे, मैं एक सांसद हूँ देश का। मैंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अकेला आदमी जाऊंगा। अंदर से फोन आया था, अंदर से सब जो अंदर हुआ है वो तो सब दिख रहा है, फोन क्या मीडिया पे सारे बच्चे अपील कर रही है, अंदर से सोशल मीडिया पे दिख रहा है। हाँ। हमें फोन की जरूरत नहीं है। हाँ। ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, जब रक्षक भक्षक बन जाए। हाँ। तो किससे हम न्याय की उम्मीद रख रहे हैं। तमाम वाक्य के बीच अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सरकार और खेल मंत्रालय इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2 FIR दर्ज किए गए, जिसमें एक FIR पोस्को एक्ट के तहत दर्ज की गई है। FIR दर्ज होते हुए भी 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कब किया जाएगा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम तो नहीं किया जा रहा? लेकिन जब बात देश की बेटियों की स्मृति और भविष्य पर आए तो सरकार को चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।